बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद इस्माइल पिजन्स में। तो फ्रेंड आज आपको जो फैंसी कबूतर हैं इनके ब्रीड भी दिखाएंगे और इनके कबूतर की ग्रोथ भी दिखाएंगे और कबूतर में जो कबूतर में बच्चे छोटे बड़े हो जाते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और अभी मैं बैठा हूँ छत के ऊपर, नहीं हूँ नीचे ही बैठा हूँ, अपनी जो कबूतर हैं इन कबूतर में बराबर में बैठा हूँ। इनको सुबह सुबह वैसे ही रूटीन होती है, इनको बाजरा या पहले रोटी देते हैं उसके बाद इनको बाजरा देते हैं, मगर इनको पहले आज चेंज कर दिया, आज पहले इनको क्या दिया, बाजरा दिया, बाद में इनको रोटी दे रहे हैं क्योंकि पूरा दिन ये घर में टहलते रहते हैं। बाकी कबूतर ऊपर बैठे, छत के ऊपर बैठे हुए हैं, बाकी ये नीचे बैठे हुए हैं। तो अच्छा, फटाफट से आपको मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, फटाफट से आपको इनके कबूतर दिखाता हूँ। ये शेरादी कबूतर हैं, ये लखे के रेसर कबूतर का बच्चा एक निकाला, बाकी कबूतर नहीं। ये टेढ़ी कबूतर, ये हाई फ्लायर है, मगर जो अंडे थे मैंने अदला बदली करके नीचे रखे थे, उनमें कबूतर ये टेढ़ी बच्चा निकला था, एक ही अंडा निकला था, एक अंडा ख़राब हो चुका था। तो फटाफट से पहले चलते हैं अंदर और अंदर आपको मैं इनकी ब्रीड दिखाता हूँ। ये देखो आइस, माशाल्लाह ब्रीड देखो इनकी, ये लखे कबूतर का बच्चा है, देखा, ये लखे कबूतर का बच्चा है। मैं आपको बाहर दिखा देता हूँ रख के, ये लखे कबूतर का बच्चा है, कितना क्यूट। और ये दुम भी आपको नज़र आ रही होगी, लखे कबूतर की दुम आपको नज़र आ रही है, लखे कबूतर का बच्चा है। यहाँ का नीचे का ये कबूतर का बच्चा छोटा रह गया था, इसलिए इनको हम नीचे रख देते हैं और उसको ऊपर शेराजी कबूतर के बच्चे के साथ रख देते हैं। और ये शेराजी, क्योंकि शेराजी की आप दुम देखो, कलर भी अपनी बाप पे गया है, बिल्कुल अपने बाप के गया है। देख शेराजी कबूतर बैठा हुआ है, बिल्कुल फीमेल वहाँ पर बैठी हुई है। बाकी ये लखे कबूतर बच्चा और ये रेसर कबूतर बच्चा, शेराजी नहीं सॉरी रेसर कबूतर का बच्चा है। तो ये गया अंदर, ये रेसर कबूतर बच्चा, बाकी बच्चे दिखाता हूँ। ये लखे कबूतर बच्चा है, तो इसका फादर लखा कबूतर वो नीचे सामने अली अकबर के पास बैठा हुआ है, दाना खा रहा है। ये रेसर कबूतर का मेल है, फीमेल वहाँ पर बैठी हुई है, नज़र आई आपको। बाकी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अंडे बच्चे थे वो निकल गए, दोबारा से चेंज करके ब्रीड यहाँ पर देखें, नज़र आ रहे हैं आपको। यहाँ पर दो अंडे हैं, ज़्यादा नहीं, दो अंडे हैं और यहाँ पर भी दो अंडे हैं। बाकी यहाँ पर है एक कबूतर बच्चा, ये बच्चा किसका है, जो ब्लैक कबूतर बैठा हुआ है पॉम हाउस में, आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे ये बैठा हुआ है। ये मोटा मोटा सांड इनको कहते हैं, ये मोटे सांड का बच्चा है। बाकी जो है सबके सब पट्ठे हैं, ये पट्ठा है, यहाँ पर ये पट्ठा है, वो रेसर का पट्ठा है। बाकी दो तीन ऊपर बैठे हुए हैं, नज़र आपको ये दो तीन, ये भी तीनों के तीनों पट्ठे हैं। एक जो सिलेटा कबूतर बच्चा है, जो शिराजी कबूतर बच्चे हैं, एक शिराजी है, दूसरा है इस, एक इसका बच्चा है, एक शिराजी वो बैठा हुआ है, इसका फादर ये बैठा हुआ है, फीमेल अंडू में बैठी है, आपको मैंने दिखा दी। तो ये कबूतर थे। तो फ्रेंड आपको कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर है, ये शेराजी कबूतर की कबूतर की ब्रीड आपको कैसी लगी। अगर आपके कबूतर की पलवाई अच्छे से नहीं हो रही, एक बड़ा रह रहा है एक छोटा रह रहा है, तो मेरी तरह आपको क्या करना है, छोटे बच्चे को नीचे डब्बे में रहने देना है, बड़े बच्चे को उठा के दूसरे डब्बे में रख देना है, जैसे कबूतर दूसरे मारे ना, तो इसी तरह से ऊपर उठा के रख दो। तो इसका मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, निकाल लूँ पहले, इधर आ जा बेटा इधर आ जा, अभी इसका फोटो भी नज़र आएगा। ये देखो दाना इसको मिला है मगर कम मिला है, नज़र आया आपको, इस वजह दाना ये है पूरा प्रॉपर इनको नहीं मिलता, इस वजह से ही इसका पोटा बिल्कुल खाली हो जाता है। माशाल्लाह से है निकलेगा दो बार, ये लखे कबूतर बच्चा है। अभी ये इसकी मदर आ रही है, देखते हैं दाना नहीं, ये इसकी मदर है, फीमेल है, वाइट फीमेल है और मेल सामने बैठा है, दोनों जुड़ा है। तो अभी इसको नीचे रख देते हैं, जैसे इनका पोटा भर जाएगा, ये कबूतर बच्चा ऊपर वाला जो नीचे रख देंगे बराबर में, तो उसको भी अपने माँ बाप दाना देंगे। ये पहले फीड पहली मरतबा इसने ले ली है, इसका पोटा भरा हुआ आपको नज़र आया, पोटा भरा हुआ है। तो इसी तरह से कबूतर छोटा आपको रहने देना है, जिसका पहले उसका पोटा वगैरह भर जाए उसके बाद दूसरे को रख देना है। अभी ये जाएँगे अंदर, मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, ये चले जाएँगे अंदर, अभी जाएँगे और इनको फीड नहीं करवाएंगे। जैसे अभी ये देखा, पहले इनको करवा के आए हैं, अभी दोबारा से मैं रुकवा हुआ हूँ, तो ये रोटी के आश्रय बैठे हैं भाई, ये रोटी वगैरह हमें मिलेगी। तो अभी चले जाएंगे, उसको फीड कराएंगे, पोटा भर जाएगा, उसके बाद बड़ा कबूतर बचा है वो नीचे उसी डब्बे में रख देंगे। तो फ्रेंड आज की वीडियो को यही, इनका वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल में सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें और अपना सारा ख्याल रखिए, दो मिनट रखिए, तब तक अल्लाह हाफिज़।